नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। चुनाव के इस माहौल में दिन दहाड़े गोलीबारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में भाजपा नेता जनार्दन सिंह को गोली मार दी गई है। दो बदमाश एक गाड़ी पर बैठकर लगातार फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने जनार्दन सिंह को, जो भाजपा नेता हैं और पीडीएस दुकानदार भी हैं, उनको तीन गोली मारकर बेखौफ बदमाश फरार हो गए। उनका पीछा एक शख्स आवाज़ देते हुए कर रहा है और सेल्फ डिफेंस भी कर रहा है, जिसने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है, लेकिन बदमाश गोली बारी करते हुए हवा में फायर करते हुए चले गए और किसी के हाथ नहीं आए। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा जनार्दन सिंह का इलाज कराने ले जाया गया था, लेकिन हालत को गंभीर देखते हुए उन्होंने उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल हो गया है। चुनाव के इस माहौल में यह साजिश किसकी हो सकती है? ये काफ़ी खौफनाक नज़ारा है। सीवान से दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने भाजपा नेता को सीने में गोली मार दी। भाजपा नेता का नाम जनार्दन सिंह है और वो पीडीएस दुकानदार भी हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि किसी ने उनसे रंजिश ना निकालने के लिए चुनाव का यह वक्त चुना, जिससे कि दो लोगों ने उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की। बाइक पर किस तरह दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए जा रहे हैं, आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। बहरहाल, स्थानीय लोगों ने घायल को सीवान सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए फिर पटना उन्हें रेफर कर दिया है और जनार्दन सिंह का वहां उपचार चल रहा है। आप हमें सब्सक्राइब करके देश दुनिया की खबरों से जुड़े रह सकते हैं। परिवार टीवी को सब्सक्राइब करके आप सच्चाई और जागरूकता को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखते रहिए परिवार टीवी। खबर अच्छी, बात सच्ची। नमस्कार।